दोस्तों नमस्कार। एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कल, मतलब इतना मौसम खराब था, ऐसा लगा कि भाई हम भीग जाएंगे, पूरे कपड़े पूरे सामान भीग जाएंगे। मतलब हमारे पास कुछ भी बचाने के लिए नहीं था। जैसे तैसे हमने एक घर के पास में शरण ली थी। 1 घंटे लगातार खड़े होकर के बारिश का इंतज़ार करने के बाद फिर हम एक पेट्रोल पंप पे आए, और यहीं बगल में ही खुलता बात जगह है, शहर है छोटा सा, और इसी के पास में भद्रा मारुति टेम्पल है, तो पेट्रोल पंप पर भी खड़े थे। ऐसी बारिश हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि मतलब पानी पानी जो है हवा के साथ उड़ रहा, आंधी के साथ में। मतलब बहुत मुश्किल हो गया कल शाम को। ऐसा लग रहा था कि मतलब अब कई लोग तो कांप रहे थे, ऐसा लग रहा था उनको कौन सी बीमारी हो जाएगी ठंड के मारे ना। तो सुबह बजरंग बली का नाम लेकर के शुरुआत की थी जर्नी की, और मतलब आप देखो सौभाग्य की बजरंग बली के ही मंदिर के पास में ही भक्ति निवास में कमरा मिल गया ये वाला, और 250 रुपये इस कमरे का लगता है। हॉल अगर लेते हैं तो 1000 रुपये का, 50 लोगों के लिए, ठीक है। तो एक बढ़िया सा कमरा मिल गया, रात बीती यहाँ पे, और गर्म पानी भी नहाने के लिए मिल गया। तो अब हम चलते हैं बजरंग बली का सुबह सुबह दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे ही कमरे के बाहर निकलते हैं, एक बड़ा अच्छा सा टेरेस बना हुआ है यहाँ पे। बाहर आकर के आप बाहर के नज़ारे देख सकते हैं, और सामने सामने खूबसूरत सी छोटी छोटी पहाड़ियाँ आपको चारों ओर नज़र आएंगी। पीछे देख रहे हैं, और थोड़ा सा दिख नहीं रहा क्योंकि मुझे जूम कर रहा है कैमरा, और हमारे बगल में ही ये भद्रा मारुति टेम्पल है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं, बजरंग बली के दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से आगे की ओर निकलते हैं। ये हमारी मोटरसाइकिल रही, और इसको हमने पानी से बचाने के लिए ढक तो दिया था, लेकिन लग रहा है कि और भी बारिश हुई है, अंदर भी पानी पहुँच गया है इसके। देख रहे हैं अभी भी पानी जमा पड़ा है इसके अंदर। इतना बारिश हुआ पूछो मत। दोस्तों हमारे पीछे ये प्राचीन बजरंग बली का मंदिर है, और इसके पीछे बहुत बड़ा सा हॉल बना हुआ है। इसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता होगा, और सबसे पहले मंदिर में दर्शन करता हूँ, और उसके बाद फिर अंदर देखता हूँ यहाँ इसके अंदर क्या क्या है। जी हाँ, इस मंदिर के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है, इस मंदिर का निर्माण खुलताबाद के राजा भद्रसेन ने कराया था, और पूरे देश में मात्र 3 ही जगह लेटे हुए हनुमान जी हैं। एक यहाँ पे हैं खुलताबाद में है, दूसरा इलाहाबाद में है, तीसरे राजस्थान में है, और पूरे देश भर में लेटे हुए हनुमान जी निद्रा के रूप में मात्र 3 जगह हैं, उसमें से ये एक है भारत में, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है मंदिर का। और यहाँ पे जो राजा भद्रसेन कहा जाता है कि जब बजरंग बली की पूजा कर रहे थे तो बजरंग बली खुश होकर के उनके पास बैठ करके उस भजन को सुनने लग गए थे, तो तब से यहाँ इस मंदिर की बड़ी मान्यता है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आइए चलते हैं इसके अंदर दर्शन करते हैं। तो दोस्तों मंदिर के सामने शनि भगवान की मूर्ति रखी हुई, सर्वप्रथम खंडे राय की मूर्ति यहाँ पर रखी पेड़ के नीचे। यहाँ दर्शन करते हुए शनि महाराज की दुआ करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, और उनको तेल चढ़ता है सरसों का तेल, और उसी के बाद फिर सामने बजरंग बली लेटे हुए बजरंग बली
जो निद्रा में है उनका दर्शन करते हैं। अंदर वीडियो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बनाया और दर्शन किया, बहुत ही अच्छा लगा। अब यहाँ से निकलते हैं। ये बहुत बड़ा हॉल बन रहा, प्रांगण बन रहा है, बगल में काम चल रहा है, इसके अंदर तमाम तरह के प्रोग्राम यहाँ पे होते रहते हैं। तो निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, और बहुत ही खूबसूरत बहुत बड़ा प्रांगण है, कई एकड़ का है, और सामने गेट भी बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। तो ये चलते हैं एलोरा केव्स की तरफ। यहाँ भक्ति निवास के सामने दुकान थी चाय की, भाई चीनी मैंने मना किया था नहीं डालना ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत चीनी डालते हैं चाय में ना। और फिर मैंने सोचा कि पोहा कल खा के पेट में दर्द हो रहा था, तो आज क्या नाम है ब्रेड और चाय ले लेता हूँ। चाय में चीनी बहुत ज़्यादा डाल दी, और ब्रेड के 4 स्लाइस लिए थे तो 5 रुपये पीस लिए, तो 20 रुपये का, वैसे छोटा वाला 20 रुपये का ब्रेड पैकेट मिल जाता है, लेकिन चलो कोई नहीं। और 20 रुपये का ब्रेड बैठा, 4 स्लाइस हमने खाए हैं, और 10 रुपये की चाय थी। इससे अच्छा तो वो अपना एप्पल और बनाना ही ज़्यादा अच्छा था। 50 रुपये में आधा किलो सेब लेते, आराम से सुबह का नाश्ता हो जाता। चलो पैकिंग करते हैं, फटाफट निकलते हैं यहाँ से और एलोरा को एक्सप्लोर करते हैं। यार बजाज की ये वाली गाड़ी आज भी देखने को यहाँ मिलती है महाराष्ट्र में, ना देख रहे अभी भी ऐसे चल रहे पता नहीं क्या बोलते हैं, मोपेड बोलते हैं शायद, बहुत पावरफुल है अभी ये। तो निकलते हैं, सामान हमारा बंधा हुआ ऑलरेडी, हमने खोला नहीं है, और सीधे सीट पे बैठ जाएंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों। अभी हम निकल रहे हैं एलोरा केव्स की तरफ, और ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे लग रहा है कि 2.5-3 किलोमीटर ही पास में, या बहुत होगा 4 किलोमीटर होगा फुलताबाद से। तो चलते हैं फटाफट दर्शन करते हैं। मौसम आज भी बहुत ख़राब है, और जगह जगह बारिश का पूरा एकदम बादल, काले बादल छाए हुए हैं। इधर भी लग रहा बारिश हो ही रही है, तो फिर भी बचते बचाते निकलना तो है ही, क्या किया जाए। चलते हैं आगे, देखते हैं जो होगा वैसा आपको अपडेट देते रहें। लाइट को बंद कर देते हैं, गद्दी भी वैसे सूखी गई है, मिरर लगवा लिया था, अच्छा किया कि मिरर लग गया। कल यहाँ पानी भर गया था, पता नहीं पानी का निकास सही से है नहीं, निकल नहीं पाया, और इधर पानी भर गया था। तो ये खुलताबाद का जो है बजरंग बली का भक्ति निवास था, यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं अगर शाम को सब कुछ सही रहा घूम घाम के यहाँ भी आ सकते हैं वापस। तो बजरंग बली की जय, ऐसे ही पावर दीजिए, ताकत दीजिए, और जिससे हमारा सफ़र यूं ही अच्छे से गुजरे, और देखने वालों का भी समय अच्छे से गुजरे, उनकी भी दुआएं कबूल हों। आप सब भी दुआ करें कि हमारी जो जर्नी है सही से गुजरे, और क्योंकि थोड़ा मुश्किल तो है ही यहाँ पे। अरे ये वाला खजला यहाँ भी बिक रहा भाई, ये तो हमारे यहाँ मेले में बिकता है, ये देख रहे हैं, ये बड़ा बड़ा मिठाई शायद यहाँ मेला लगने वाला है बता रहे थे कि, और उसी मेले की वजह से यहाँ पे सारी तैयारियाँ चल रही हैं, और कोई बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। किधर जाना है, एलोरा सीधे जाना है, एलोरा केव के लिए चौराहा है ये। भैया खुलताबाद चौराहा है क्या? हाँ ये भी है और आगे भी एक चौराहा। अच्छा अच्छा, एलोरा के लिए सीधे जाना है। सीधा जाना है। अच्छा अच्छा, ये मिठाई को क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी मिठाई को? खाजा बोलते हैं। खाजा, यहाँ भी खाजा बोलते हैं, हमारे यहाँ भी बिकता है। ठीक है तो खाजा बोलते हैं इसको, खजला बोलते, खजला भंडार, बल्लू खजला भंडार, देख रहे हैं पूरा लाइन से इधर से भाई सब खजला बिक रहा है। लेकिन ये लोग ना उसमें बनाते हैं, क्या नाम है, रिफाइंड में नहीं बनाते ये लोग, वो जो डालडा होता ना डालडा में बनाते, डालडा में ही बनता है, और अगर थोड़ा ज़्यादा खा लिया तो ये गले में जलन पैदा करता है, इसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। 4 किलोमीटर है एलोरा यहाँ से खुलताबाद से,
और चलते हैं भैया, सीधा दिखा रहा है। शिरडी यहाँ से 115 किलोमीटर है। वेरुल लेणी केप्स को यहाँ पे शायद लेणी के नाम से जानते हैं। वेरुल लेणी सूरत 358 किलोमीटर है। तो इधर देखिए, इधर गाड़ियों की संख्या थोड़ा और बढ़ गई है और जंगल तो बहुत भरा भरा है भाई, एकदम खतरनाक जंगल है ये। यहाँ बता रहे हिरन भी है, उसमें हिरन का फोटो लगा हुआ है कि हिरन भी है यहाँ पे। तो जंगल का मज़ा लेते हुए आराम से मंगल करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरा जीन्स बहुत गंदा हो गया है और मुझे टाइम मिलेगा तो कहीं ना कहीं इसको धुलना पड़ेगा। चलो देखते हैं, शाम को जहाँ रुकेंगे थोड़ा मौसम सही होगा तो धुल करके जो है इसको टांग देंगे। ये तो खतरनाक जंगल है भाई। तो भाई आ चुके हैं हम यहाँ पे केव्स के पास में, और यहीं से रास्ता कटता है, गेट है, पता नहीं गाड़ी वाड़ी पता नहीं कहाँ पार्किंग होती होगी। ये तो कार पार्किंग है। किधर? यहाँ कितना पैसा लगता है? 10 रुपये। जैसा कि देख रहे हैं पीछे, ये यहीं से एलोरा केव की जो है गेट है, एलोरा केव का गेट यहां से बना हुआ है। और यहां पे तीनों धर्म की जो गुफाएं हैं केव्स बनी हुई हैं, हिंदू धर्म की बनी हुई है, बुद्धिज़्म की बनी हुई है और जैनिज़्म की भी बनी हुई है। तो आइए चलिए केव में एक एक दर्शन करते हैं। बाइक तो मैंने पार्किंग में लगा दी है, लेकिन सामान कहाँ रखें ये थोड़ा सा टेंशन वाला विषय है। अब ये हेलमेटवा जो है हाथ में टांगना पड़ेगा, यही एक बड़ी समस्या है, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिलहाल एंट्री करते हैं। 4 ही किलोमीटर दूर पे थे, कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी।